हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। पिछली बार एयरफोर्स का जब वैकेंसी आया था तो बहुत सारे लोगों ने क्या क्या था ना कि गलत फॉर्म फिलअप किया था इसलिए, और इस बार पूछ रहे हो कि सर आप बताओ, क्योंकि जिन्यून जो है मैंने सही बताया था वीडियो के अंदर किस तरीके से आपने गलती की है। मैंने थोड़ा सा डिले करके वीडियो बनाया था पिछली बार, बट इस बार आई थिंक सही टाइम पे हूँ। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप एंड तक बताने वाला हूँ। मैंने एक बच्चे का फॉर्म फिलअप किया है, अब ये मत कहना कि मेरा भी फिल कर दो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलो इसमें मैं बताऊंगा और बहुत सारी चीजों जो पिछली बार गलती की थी आपने वो गलती इस बार मत करना। अभी सुनो स्टेप बाय स्टेप, जैसे देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उससे जाना। और ना आपने अगर कभी अभी अगर फॉर्म फिल कर रहे हो ना, तो आपको ना न्यू यूजर के तौर पर रजिस्टर करना होगा। पिछली बार जिसने फॉर्म फिलअप किया था वो ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉग इन नहीं हो रहा, मैंने ट्राई कर लिया। इस बार न्यू यूजर के तौर पर आप करना, ओपन करोगे जैसे यहाँ पे जो दिख रहा है ना न्यू यूजर रजिस्टर, तो आपको ना सुनो न्यू यूजर के तौर पे रजिस्टर होने का मौका मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ डेटा फिल करके आप साइन अप करोगे। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं बनाना चाहूंगा कि देखो अभी अपना ना आप में से बहुत सारे लोग एयरफोर्स का एग्जाम क्रैक करना चाहेंगे, कोस्ट गार्ड के भी फॉर्म फिलअप किए, तो आज ही रिसेंटली अभी क्या हुआ ना अपना ए टू जेड स्टडी के आपके अपने यूट्यूब चैनल का एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट पे जो गूगल प्ले स्टोर पे जो है ना आपका ये एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया, तो जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे बहुत जल्द एयरफोर्स की मॉक टेस्ट आने वाली है, और फिलहाल जो है कोस्ट गार्ड की जो ना सेक्शन वन की बेस्ट मॉक टेस्ट आ चुकी है जिसकी प्राइसिंग भी हमने रख दी है। तो मतलब लाइव टेस्ट है ये, लाइव टेस्ट सेक्शन वन की, समझ रहे हो, जीडीवी यांत्रिक और वीडियो सॉल्यूशन के साथ लाइव टेस्ट है। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है और जाके नीचे स्टोर का ऑप्शन आएगा उसके अंदर आपको दिख जाएगा, और वहां से आप टेस्ट सीरीज बाई करके लगा सकते हो। और एयरफोर्स का भी धमाकेदार वीडियो कोर्सेज और फ्री टेस्ट और मतलब फ्री क्विजेज बहुत सारी आएंगी, रहेगा कि फ्री मॉक टेस्ट, पेड मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीजें एप्लीकेशन पे आएंगी। तो जाओ डाउनलोड करो और बस 5-7 दिन वेट करो, एयरफोर्स का भी धड़ाधड़ मटेरियल यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल कोस्ट गार्ड वाले जाके रॉक करो यहाँ से। अब हम लोग बात कर लेते हैं, सुनो जैसे ही मतलब आप न्यू रजिस्टर्ड पे करोगे तो पहले आपको साइन अप का ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पे साइन अप के ऑप्शन की जगह पे क्या करोगे, कैंडिडेट का नाम डालोगे। पहले मैंने डाला था, मान लो यहाँ पे रमेश कुमार है तो आप रमेश कुमार डालोगे और कैपिटल लेटर ही लिख लेना, क्योंकि आगे जाके उसको केस सेंसिटिव होगा तो वो खुद सुधार लेगा, तो आप सारा ना कैपिटल लेटर यूज कर लेना। फादर्स नेम में आपके जो फादर का नेम है, और स्पेलिंग पे जरा ध्यान देना, कुछ भी स्पेलिंग में एरर नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग में एरर हुआ तो कहानी खत्म। ठीक है, मैं पहले कह रहा हूँ, फिर आपको वो एंट्री नहीं देते हैं। आपने मदर्स का नाम लिखना जो सर्टिफिकेट के ऊपर होगा, 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर और आधार कार्ड के ऊपर, और इसमें तीनों में सेम सेम होना चाहिए, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये सभी चीजों पर ध्यान देना। नेशनलिटी आपको फिल करने की जरूरत नहीं होगी, ऑलरेडी इंडियंस आएगा, बिकॉज इंडियंस ही अप्लाई कर सकते हैं। मेल आईडी डालना वही जिसपे की ओटीपी आ जाए, ईमेल पे भी ओटीपी आने वाला, ध्यान सुनो। फिर अपना जेंडर चूज कर लेना, मेल फीमेल आप जो भी हो, क्योंकि इस बार फीमेल भी अप्लाई करेंगे, गर्ल्स भी अप्लाई करेंगे। फिर अपना ना मोबाइल नंबर डालना जो कि आपके पास में हो, बिकॉज इसके ऊपर ओटीपी आने वाला है। सुनो, फोन नंबर और जीमेल आईडी मतलब ईमेल आईडी दोनों के ऊपर ओटीपी आएगा, उसके बाद आप जनरेट ओटीपी करोगे। तो देखो जनरेट ओटीपी इनेबल इन 95 सेकंड, मतलब आपको ना ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा और आपके पास टाइमर चलेगी। इस फिक्स टाइम के साथ आपको अपने ईमेल पे आया हुआ ओटीपी डाल लेना होगा, और उसके देखो ईमेल पे आया हुआ ओटीपी डालना होगा, और साथ में जो फोन नंबर पे दोनों अलग अलग ओटीपी आएगा वो दोनों डाल लेना। जो ईमेल पे आया होगा वो ईमेल वाले सेक्शन में फिल करोगे, ठीक है, और जो फोन पे आया होगा वो फोन में डालोगे। और ये जो कैप्चा में आपका कुछ और लिखा होगा Z1 8U2 वो वाला चीज यहाँ पे फिल करना, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में लिखना। अगर ये चीज मान लो आपका नहीं हुआ है तो ये जो सर्कल टाइप के जो एरो टाइप का दो एरो है इस पर टच करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ और लाना होगा तो आ जाएगा ये। फिर अपने को साइन अप बटन पे क्या करना है, टच कर लेना, अगर फोन से कर रहे हो तो, या फिर कंप्यूटर से कर रहे हो तो क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करोगे कहेंगे कन्फर्म सबमिट, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू सबमिट द डिटेल्स। एक बार देखो कन्फर्म सबमिट करने से पहले ना, यहाँ पे साइन अप करने से पहले एक बार फिर से अपना नाम का स्पेलिंग, फादर्स नाम का स्पेलिंग, फादर्स नेम का, मदर्स नेम का, ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी तो चेक करने वाली कोई चीज नहीं है, यहाँ पे ओटीपी ओटीपी आ जाएगा, फोन नंबर ईमेल पे तो आप कन्फर्म कर लोगे। बट स्टार्टिंग की ये तीन चीज बहुत ही बढ़िया से देख लेना, ठीक है, बाकी जेंडर भी देख लेना, आप मेल हो तो कहीं फीमेल आपने चूज ना कर लिया हो फिर लोचा हो जाएगा आगे जाके। फिर जाके आपसे कन्फर्म कराएंगे तो अगर सब कुछ लगा ठीक है तो ओके कर देना, ओके ना, ओके करने के बाद आपसे कहेगा बधाई हो मुन्ना हुआ है, तो मतलब कहने का मतलब कांग्रेचुलेशंस, योर डिटेल हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद अस। ठीक है, कहेंगे देखो वी हैव सेंट सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यूज द ईमेल आईडी एंड दिस सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड वाइल साइन इन। देखो इसका मतलब क्या हुआ ना, आपको जब कहेंगे ना कि मुन्ना हुआ है घर में, मतलब कांग्रेचुलेशंस आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ओके करना है। और ओके करने के बाद सुनो अब यहाँ पे ना आपको ईमेल आईडी डालना है, और पासवर्ड के तौर पे क्या डालना है सुनो,
आपके ईमेल पे ना एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड गया होगा, और वो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड क्या होता है, वो ना सीधा सीधा नहीं होगा, उस पासवर्ड में कुछ ऐसा लिखा होगा टू एट द रेट ऑफ हैच स्टार 3 4 GH, ऐसे ऐसे जो कि लिखा होगा, मतलब कुछ भी सही से नहीं लिखा होगा। तो जो भी लिखा है ना वो उसको यहाँ पे आप डाल देना, ठीक है। अगर आपको नजर नहीं हो रहा तो इस आंख वाले बटन पे टच करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, और जो भी आप टाइप कर रहे होगे वो सभी चीजें यहाँ पे नजर आएंगी। तो टाइप कर लेना, फिर से कैप्चा डाल दोगे जो इसके अंदर डाला हुआ है, कैप्चा डालने के बाद साइन इन करोगे, ठीक है। साइन इन करते ही देखो ये साइन इन का बटन है, आपको ना ये सभी चीजें आएंगी, इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस आने से पहले ना कुछ चीज़ें आएगा, जैसे कि आपको पूछा जाएगा ना कि अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए आएगा, तो आप पासवर्ड अपना चेंज कर लेना, ठीक है। मैं कहना चाहूँगा पासवर्ड अपना चेंज कर लेना, ये जैसे ही साइन इन करोगे तो आपको पासवर्ड रिसेट करने का मौका मिलेगा। तो पासवर्ड में कुछ ऐसे डाल देना, मैं बता रहा हूँ कैसे। मान लो आपका नाम रमेश है, ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर डालना, मेरा नाम मान लो धीरज है, ठीक है, तो मैं डालूंगा डी कैपिटल, उसके बाद एच मैं स्मॉल डालूंगा, आई आर ए जी इधर सब स्मॉल डालूंगा, और एक ना एट द रेट ऑफ डाल देना, ये डालना जरूरी है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर अगर आपको कुछ नहीं पता है तो एट द रेट ऑफ डाल दो, और इधर ना कोई डिजिट डाल दो, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2004 का है तो 2004 डाल दो। कुछ लोग 1 2 3 यूज कर लेते हैं, अगर आप कैफे से भरवा रहे हो ना, मतलब ये चीज़ें 2 बार फिल करनी होगी, ऊपर नीचे आपको जब कहा जाएगा तो आप फिल कर लेना, पासवर्ड जनरेट कर लेना। और हाँ, अगर आप कैफे से फिल करा रहे हो ना तो आप अपना पासवर्ड लिखवा लेना, कि एक पेज पे कहना भाई मेरा पासवर्ड लिख के दे और ईमेल आईडी जो तूने मेरा डाला वो लिख के दे, क्योंकि रिजल्ट आएगा तो उसी से चेक होगा। ध्यान रहना, क्या मैंने बोला, ध्यान रखना इस चीज़ का, पासवर्ड उससे पूछ लेना कि तूने पासवर्ड क्या रिसेट किया, वो कंपलसरी है। अगर आपको गलत पासवर्ड मिला तो आपका अकाउंट ऑलमोस्ट बिना काम का हो जाएगा, ठीक है। तो पासवर्ड ले लेना, अगर वो नहीं बताते तो बोलना ठीक है रुक जा, यहीं पे रुक जा, आप तेरे से मेरे को फिलअप नहीं कराना, ठीक है। क्योंकि ये पासवर्ड आप नहीं बताओगे, बताएंगे आपको तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम फेस करना होगा, क्योंकि एयरफोर्स की साइट हमेशा बढ़िया नहीं चलती, कब सर्वर डाउन हो जाए कोई ठीक नहीं, ठीक है। खास करके जब रिजल्ट आता है, जब एडमिट कार्ड आता है तो और ज्यादा मारामारी चलता है। आगे देखो, आगे जैसे ही जाओगे बहुत सारी चीजें दिखेंगी आपको यहाँ पे। इंस्ट्रक्शन देखो, ये सारी चीजें ना डिसेबल रहेंगे स्टार्टिंग में, आपको इंस्ट्रक्शन 0 नंबर पे, तो आपको इंस्ट्रक्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, या फिर टच करोगे तो आपको आएगा लो 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 फलाना फलाना ढिमकाना, आपको इंस्ट्रक्शन बढ़िया से पढ़ना है, और थोड़ा स्क्रॉल करोगे नीचे जाओगे तो नीचे की चीजें ये सभी चीजें आएंगी, आपको बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है। और यहाँ पे वो बॉक्स होगा चेक बॉक्स, तो इसको टच करोगे तो चेक बन जाएगा, और उसके बाद कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन स्टेप, बिना चेक किए इसको बिना टच किए आगे नहीं बढ़ सकते, यहाँ पे ना मार्क का आ जाएगा, एक तरीके से साइन आ जाएगा, वो करना, उसके बाद कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन स्टेप करोगे। जैसे कंटिन्यू करोगे देखो, आपने रजिस्ट्रेशन को सॉरी इंस्ट्रक्शन को पढ़ लिया होगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन रेड मतलब आपने पढ़ लिया। फिर आप एक नंबर पे जाओगे फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे जाओगे तो कहा जाएगा रुको सावधान, एक्सेप्ट डिस्क्लेमर बिफोर फॉर्म फिलिंग, मतलब कहेंगे पहले ये चीज एक्सेप्ट करो। तो यहाँ पे देखो एक दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो चेकबॉक्स है, फिर से इसको टच करना होगा, फिर एक्सेप्ट डिस्क्लेमर करना होगा, ठीक है। ये करोगे तब जाके आप आगे बढ़ोगे, कहोगे अच्छा, वो कहेंगे सक्सेस डिस्क्लेमर एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, इस पे क्लोज पे कर देना, क्लोज का बटन होगा यहाँ पे, क्लोज पे टच कर लेना। फिर कहा जाएगा जो आपने नाम डाला होगा, जो अपने फादर्स का नाम डाला होगा, जो अपने मदर का नाम डाला होगा, जो ईमेल डाला होगा, जो फोन नंबर डाला होगा, वो ऑटोमेटिकली सब आ जाएगा, अभी डालने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली। बस यहाँ पे ना 10th का जो है ना पासिंग सर्टिफिकेट, मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है भैया, सुनो 50 KB या फिर इससे कम का होना चाहिए, 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो मैं एक बार ना मैंने क्या किया, नीचे मैं दिखा दूं, अपलोड वाले में बताऊंगा, थोड़ा सा नीचे अगर स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पे रहेगा आर यू सर्विंग NCE ऑफ IAF, अगर आप सर्व कर रहे हो तो यस करना, नहीं कर रहे हो तो नो करना, ऑब्वियसली आप में से कोई नहीं कर रहा होगा तो नो कर लेना, आपकी शादी नहीं हुई है, ऑलरेडी अनमैरिड होगा, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना, सेव एंड कंटिन्यू करने से पहले सुनो, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पहला 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट होगा वो वाला, तो पासिंग सर्टिफिकेट जैसे ही मैं यहाँ पे चूज करता हूँ अपलोड करने के लिए, मैंने बेवकूफी की थी, एक एमबी की अपलोड कर रहा था, वो कह रहे हैं पीडीएफ साइज शुड बी, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बताया था आपको, 40 KB to 60 KB, या तो आप पीडीएफ अपलोड कर लो या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में भी अपने 10th का पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, तो चलो ठीक है। आप यहाँ पे कोशिश करना 40 से लेकर 60 KB के बीच में हो, तो मैंने जो है जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड किया है, तो फिर दोबारा मैंने जब अपलोड किया तो मेरा हो गया, ठीक है। तो फिर चलो पर्सनल डिटेल हैव बीन सक्सेसफुली, ठीक है, मतलब वो सेव हो गया, मैंने क्लोज किया, क्लोज करके आगे बढ़ोगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका सेव हो गया होगा। अब सेकंड नंबर पर हो जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे आपके पास क्या है, 10th+2 है या फिर 3 साल का डिप्लोमा है या फिर 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स है आपके पास, ठीक है, फिजिक्स एंड मैथ का क्या है, ठीक है।
तो ऑब्वियसली हमारे जो स्टूडेंट का था भरना था उसको 10+2 का था, इंटरमीडिएट से था। तो मैंने इस पे टिक किया, सेव एंड कंटिन्यू कर लिया। ठीक है, जैसे ही उस पे टिक करोगे तो आपके पास टिक करोगे ना, तो आपके पास नया ऑप्शन खुल के आएगा, कहेगा हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन क्लास 10+2, मतलब इंटरमीडिएट में आपने पास कर लिया है 50% मार्क्स के साथ। अगर आपके 50% मान लो 49.59 भी है ना, तो आपको फेल घोषित किया जाएगा। आपके एग्जैक्ट 50 या फिर उससे ज्यादा होने चाहिए ओवरऑल। तो हमारे बच्चे के बहुत अच्छे स्कोर थे, मैंने यस कर लिया। फिर जैसे यस करोगे, सेव एंड कंटिन्यू करोगे, तो नीचे ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, यस कर लिया आपने, सुनो सेव एंड कंटिन्यू करने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको। जैसे ही यस करोगे ना, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहां तक हमने सेव कर लिया। अब देखो नीचे यहां से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है सर? देखो यहां से स्टार्ट हो जाएगा। हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन फिजिक्स मैथ। अगर आपके पास सुनो 12th में फिजिक्स मैथ है, तो आपको यहां पर यस करना है। फिजिक्स मैथ नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना। ठीक है, चलो ध्यान रखना यहाँ पे। अगर आपने नो कर लिया तो आपसे पूछेगा। ठीक है, अगर आपके पास बायो है ना, तो आप यहाँ पे नो कर लेना। फिर आपसे ना इंटरमीडिएट स्ट्रीम का पूछेगा, आप क्या हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, या फिर कॉमर्स से हो। अगर आप साइंस से चूज करोगे, ध्यान से सुनना, साइंस से चूज करोगे, तो जैसे ही साइंस से चूज करोगे ना, आपको कुछ ऐसे आ जाएगा यहाँ पे ना, जो ग्रुप अप्लाइंग पे आएगा ऑप्शन, आपके पास ये जो है ना साइंस सब्जेक्ट नहीं रहेगा, बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस नहीं रहेगा, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा। अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हो गए, आपके पास आएगा अदर देन साइंस सब्जेक्ट सिर्फ आएगा। अगर आपने साइंस से चूज कर लिया, तो आपके पास तीनों आएगा। सुनो, साइंस का मतलब हो गया एक्स ग्रुप, अदर देन साइंस का मतलब हो गया वाई ग्रुप, बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस का मतलब हो गया एक्स एंड वाई ग्रुप। तो मेरे स्टूडेंट को एक्स ग्रुप का कोई नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने कहा मेरे को सिर्फ वाई ग्रुप का भरना है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर सेलेक्ट किया था उनका अदर देन साइंस सब्जेक्ट। देखो मैंने क्या सेलेक्ट किया था, अदर देन साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, और मैंने यहाँ पे फिर क्या किया, जिस बोर्ड से मतलब 12th में जो बोर्ड था उनका, 10th में जो बोर्ड था, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड था, मैंने कर लिया। 12th का जो बोर्ड है वही चूज करना आप लोग। तो यहाँ पे सुनो क्या कह रहा है, 10+2 में कितने परसेंट थे, तो 70% थे, 72 point समथिंग थे। तो पॉइंट वाला नहीं लेना, कह रहा ना कि 59.9% भी है ना अगर, तो आपको वहाँ पे ना 60 नहीं करना, वहाँ पे 59 ही करना है। तो अगर 69 point समथिंग है, तो आपको 70 नहीं करना, आपको 69 लिखना है वहां पे। पॉइंट के बाद जो मान लो, जैसे मेरा यहाँ पे क्या था ना बचेगा, 70.5 था मान लो, मैंने 0.5 ऑटोमेटिकली आएगा ही नहीं, आपको 70 ही चूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा 10+2 का ना पासिंग सर्टिफिकेट, नहीं मार्कशीट अपलोड करना होगा। ध्यान सुना, मार्कशीट आपके पास जो है 10+2 मतलब इंटरमीडिएट का, मैंने अपलोड कर लिया। जो अपलोड करने के बाद क्लिक एंड प्रीव्यू देख सकते हो। ठीक है, वही 40 से 60 KV के बीच में। और उसके बाद देखो इंग्लिश में कितने स्कोर है, एटलीस्ट 50% होने चाहिए इंग्लिश में इंटरमीडिएट में, उससे कम है तो फिलअप नहीं हो पाएगा। तो हमारे स्टूडेंट के 68% थे, तो बच्चे का हो गया। अब देखो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर है आपका तो यस करो, अगर नहीं है आपका तो नो करो। तो इनका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं था, मैथ था। ठीक है, तो मैंने नो कर दिया। अब इनके पास कंप्यूटर नॉलेज है, डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, तो यस। अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो यस करना, बच्चे के पास था तो मैंने यस कर। ठीक है, अगर यस कर रहे हो तो क्या कह रहा है, ब्रिंग ड्यूली फिल्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ले जाना होगा आपको फेज टू के अंदर। ठीक है, अगर कंप्यूटर का कोई नॉलेज है तो उसका सर्टिफिकेट ले जाना होगा फेज टू के अंदर आपको। आगे देख, आगे क्या बात करते हैं। फिर आपने कंप्यूटर मतलब नॉलेज किस तरीके का, आपके पास इंटरमीडिएट टाइप का मतलब बहुत बेसिक भी नहीं है और बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है। ठीक है, इंटरमीडिएट मतलब बीच वाले हैं, तो बीच वाले भर दिया। आप जैसा आपके पास नॉलेज है वो ऑप्शन चूज कर लेना, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो आप नो कर लेना यहाँ पे फाइनली, जबरदस्ती क्या नहीं, क्योंकि सर्टिफिकेट ही नहीं तो फिर क्या करोगे भर के, फिर टेलम टेली शुरू होगा वहां पे, डांटेंगे फिटेंगे आपको। ठीक है, फिर कह रहा है डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट फॉर अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, आपके पास कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट का एडिशनल मार्कशीट है, 12th के मार्कशीट के अलावा कुछ और भी मार्कशीट है, तो आप यस करना, हमारे पास नहीं था तो हमने नो कर दिया, सिंपल सर। ठीक है, अब नो करने के बाद देखो नीचे कहेगा, अगर नो कर लिया तो कोई यहाँ पे कुछ अपलोड नहीं करना, यस करोगे तो एक्स्ट्रा और कोई मार्कशीट है तो अपलोड करना, जब मार्कशीट है ही नहीं तो कहा यस करेंगे, नो करेंगे हम, तो फिर ये अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे नीचे जाएंगे थोड़ा तो मिलेगा ये सभी चीजें। देखो ब्रिंग द ड्यूली फील्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, अगर आपके पास कुछ है तो आपको सारे सर्टिफिकेट ले जाने होंगे, जो अपने यहाँ पे फिल करोगे ना ये, तो वो सर्टिफिकेट भी फेज टू में ले जाने होंगे। अब देखो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड क्या है, हायर एजुकेशन मतलब 12th तो ऑब्वियसली पास होना, तो कंप्लीटेड कर लो यहाँ पे। और हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसा है, तो मतलब 10+2 है तो फिर नॉन इंजीनियर करो, अगर आप डिप्लोमा उप्लोमा कर रहे हो तो फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो हमने चूज कर लिया भैया ये कोई नॉन इंजीनियरिंग वाले हैं, इनके पास कोई इंजीनियरिंग नहीं है, तो नॉन इंजीनियरिंग कर लिया हमने। फिर हमारा बच्चा साइंस से, तो हमने साइंस से करके अब सेव एंड कंटिन्यू करोगे। ठीक है,
सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो कहेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैव सेव्ड सक्सेसफुली। तो सेव के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लोज वाले बटन पे टच कर लेना है। आगे जाओगे तो फिर आपके पास एडिशनल डिटेल्स पूछेंगे, कहेंगे आर यू सर्टिफिकेट मतलब आर यू सर्टिफिकेट होल्डर ऑफ नेशनल कैडेट क्रॉप, मतलब एनसीसी का सर्टिफिकेट है। तो हमारे पास नहीं था तो हमने नो चूज किया, आपके पास है यस है तो यस कर लेना। या फिर कहेगा आर यू चिल्ड्रेन ऑफ सर्विंग रिटायर डिस्चार्ज, मतलब एयरफोर्स पर्सनल के कोई चिल्ड्रेन हो या फिर वो जॉब में है या फिर रिटायर हो गए, अगर यस तो यस करो। अगर आपके फादर अगर है एयरफोर्स में, एयरमैन है या फिर आई एफ एन सी है या फिर कोई ऑफिसर है तो यस करो, अगर नहीं है तो नो करना। ठीक है, हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, मतलब सॉरी इंडियन नेवी और एनी गवर्नमेंट और स्टेट, मतलब कोई अगर नौकरी से आप डिस्चार्ज हो तो यस कर लो, अगर नहीं हो तो नो कर लो। ठीक है, चलो फिजिकल यहाँ पे पूछेगा आपसे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा यहाँ पे। तो मतलब पूछेगा कोई, मतलब एक चीज बताओ जो सामने से नजर आता हो, कोई साइन बताओ बॉडी के अंदर। तो बच्चे के राइट हैंड पे ना थंब पे क्या था, मोल था, मोल ऑन राइट थंब। ठीक है, तो राइट थंब पे एक मोल था, तिल था, तो मैंने वो फिल कर दिया। फिर कैंडिडेट की हाइट कितनी है वो फिल करना, तो मैंने ये 152 मिनिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो बच्चे की जो हाइट थी 170 मैंने फिल कर लिया। कैंडिडेट का चेस्ट जो था 80 cm था तो मैंने 80 फिल कर लिया। बच्चे की जो यहाँ पे वेस्ट है वो फिल कर लेना आपकी जो भी है। जूते की साइज क्या है 8, 9, 10 यहाँ पे जाके चेक कर लोगे, जो भी है अपना फिल कर लेना। फिर यहाँ पे एडिशनल स्किल में क्या आपको ड्राइविंग आती है, यस आती है तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना होगा आपको, नहीं तो नो कर लेना। डू हैव एनी क्वालिफिकेशन इन कैटरिंग, कैटरिंग का कोई क्वालिफिकेशन है, नहीं है तो नो कर लेना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कोई जानकारी है आपके पास, यस आप चूज कर लेना, अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती तो नो कर लेना। ठीक है, और अकाउंटिंग आता है आपको, यस और नो में से चूज कर लेना। तो हमारे पास कुछ नहीं था, हम सारे निकम्मे थे यहाँ पे, सारे नो नो नो, हमारा जो बच्चा था वो सब निकम्मा था, सब में नो नो कर लिया। हैव यू अदर स्किल, यहाँ पे देखो ये चीज ना, ये जो चीज है, डू यू हैव एनी अदर स्किल क्वालिफिकेशन अचीवमेंट वर्क एक्सपीरियंस, हाँ ये चीज जो था ना हमारे स्टूडेंट के पास था, तो यस यहाँ पे हमने किया। और क्या किया सुनो, यहाँ पे हमने यस कर लिया। ठीक है, और यस करने के बाद कुछ ऐसे आ जाओगे कि क्या है, स्पेसिफाई करो क्या चीज है आपके पास। तो ये केवाईपी इन्होंने कर रखा था तो केवाईपी वाला कर लिया। आपके पास अगर कोई स्किल नहीं है तो अपनों कर लो। ठीक है, इनके पास था सर्टिफिकेट था केवाईपी का, तो केवाईपी हमने फिल कर लिया। अब देखो गेम और स्पोर्ट आपके पास कुछ है, जैसे स्टेट लेवल पे खेले हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ भी खेले हो ना भाई, खेले हो ना किसी भी टाइप का, तो यस करना। अगर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका, यस करके मेंशन कर देना कि क्या चीज है आपके पास। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर लेना। सेव एंड कंटिन्यू करोगे एडिशनल डिटेल सेव हो जाएगा, कम्युनिकेशन डिटेल मतलब आपका एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे हाउस या फिर गांव का नाम कर लेना, स्ट्रीट, कॉलोनी, जो भी आपका लोकेलिटी, अपने गांव का नाम, कंट्री इंडिया ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, सिलेक्टेड स्टेट अपना चूज कर लेना, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लोगे, तहसील अपना, कुछ लोगों का अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं आएगा तो जो लोकल सिटी का नाम आएगा वही चूज कर लेना। जैसे हमारा जो था वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं आ रहा था, सिटी का नाम आ रहा था, तो हमने डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करके सिटी चूज कर लिया था। ठीक है, विलेज या टाउन जो भी आपका फिल कर दो, पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है वो मतलब नाम फिल करना है यहाँ पे। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर डालना है आपको, ठीक है, और इसके बाद पिन कोड डालना है आपको। ठीक है, पिन कोड नीचे डालोगे, पिन कोड डालोगे आप तो उसके बाद क्या है ना कि आपको एक नीचे चेकबॉक्स यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, चेक इफ कम्युनिकेशन एड्रेस इज सेम परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो चेक कर लेना या फिर टिक कर लेना, जो भी है। तो सारा डिटेल जो ऊपर भरा है वो नीचे एक और चेकबॉक्स सेम टू सेम होगा, वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगर आपके अलग अलग दो एड्रेस हैं तो नीचे कुछ और भेज लेना, परमानेंट कुछ और है, और मतलब कह लो ना कि लाइक आपके कम्युनिकेशन जो है ना वो परमानेंट अलग है और एक एड्रेस अलग है, तो दोनों अलग अलग फिल करो। अगर आपका एक ही एड्रेस है तो इस चेकबॉक्स पे टिक कर लेना, जो आपने ऊपर फिल किया ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल सेव हो जाएगा। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, सुनो फोटो आपका 10 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए। और फोटो कैसा होना चाहिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, सुनो मैं फोटो दिखाऊंगा तो नहीं, ये मान लो आप हो, ठीक है, मान लो आप हो ना ये फोटो, ठीक है, फोटो आप हो तो आपके चेस्ट पे देखो कुछ भी डिजिटल नहीं होना चाहिए, कुछ भी डिजिटल नहीं होना चाहिए। एक स्लेट ले लेना, स्लेट से मेरा नाम है धीरज, तो मैं कैपिटल लेटर में लिखूंगा DHIRAJ, ठीक है, धीरज ऐसे कुमार लिखूंगा, ठीक है, और नीचे डेट ऑफ बर्थ मत भर देना, आज डेट क्या है भाई, तो आपको लिखना है DOP, डेट ऑफ पिक्चर लिखना है, और ऐसे करके लिखना है 08/11/11/2022 है तो 22 लिख सकते, ऐसे लिखना है। स्लेट के ऊपर चौक से लिखना है, आसमान ध्यान रखना, कंप्यूटराइज नहीं होना चाहिए, चौक से होना चाहिए, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम होगा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। स्लेट लेना है आपको, स्लेट पर लिख के आपको चेस्ट के ऊपर स्लेट पकड़ना और जाके फिर फोटो का जो साइज है वो क्रॉप करके 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में अपलोड करना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर कोशिश करना कि इंग्लिश वाला सिग्नेचर अपलोड कर दो आप, वो भी सिग्नेचर 10 KB से 50 KB से। और यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड का क्या है, ध्यान सुनना, कह रहा है लेफ्ट हैंड का थंब डालना है, मतलब अंगूठे का निशान डालना है।
तो राइट वाला मत चूज कर लेना सर, थोड़ा बढ़िया से। तो लेफ्ट पूछ रहा है तो आपसे लेफ्ट ही डालना है, यहाँ पे बेटर रहेगा। ठीक है, आगे देखो, जैसे ही कर लोगे यहाँ पे अपलोड हो जाएगा सब कुछ आपका। तो उसके बाद इस चेक वाले ऑप्शन पे चेक कर लेना और यहाँ पे अपना प्लेस जहाँ से हो आप वो प्लेस गाँव का नाम डाल देना, सेव एंड कंटिन्यू कर देना। सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो बस आपका फिल एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद बारी है सेलेक्ट सिटी, आप अपना एग्जाम सिटी चूज कर लोगे। दो सिटी है, फेज वन का एग्जाम सिटी जो कि ऑनलाइन होगा, फेज टू जो कि फिजिकल वगैरह होगा आपका यहाँ पे, मतलब कह सकते हो ना फिजिकल कहते हैं हम लोग, फिर और भी चीजें होती हैं वहाँ पे, जैसे कि आप कह लो कि क्या कहते हैं उसको, मैं भूल गया, एडप्टिविटी टेस्ट वगैरह, एसआरटी वगैरह, सभी चीजें होती है, ग्रुप डिस्कशन होते हैं, वो सभी चीजें वहीं पर होंगी जो आप नीचे फिल करोगे। तो ऊपर में यहाँ पे एटलीस्ट आप अपना सीट मतलब चूज कर लेना, जो भी सिटी चूज करना चाहते हो, तो वो तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, अपना अपना देख लेना। फिर नीचे भी आपको जो अपना प्रेफरेंस अच्छा लगेगा, और ये मत सोचो ना कि ये बढ़िया है वो बढ़िया, सब बढ़िया है, कहीं पे कोई सेटिंग फेटिंग नहीं होता, कहीं पे पकड़ के थूरा नहीं जाता, बढ़िया से लिया जाता है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जो नियरेस्ट है आपके वो फिल करो, ठीक है, ये नहीं कि हम यहाँ फिल करेंगे ये, अच्छा कहाँ, कोई नीचे पहचानता आपको वहाँ पे, कोई मौसा मौसी नहीं है, ठीक है, सब अनजान है, सब जगह बढ़िया से ट्रीट किया जाएगा और हर जगह एयरफोर्स में ऑफिसर बढ़िया होते हैं, ठीक है, जो नियरेस्ट है वो फिल करो। आगे देखो, जैसे ही आप एग्जाम सिटी चूज कर लोगे तो फिर आप ना 100% कंप्लीटेड। और सुनना एक चीज में, मान लो आपने यहाँ पे ना पहले मान लो पटना डाल दिया, फिर गया डाल दिया, और फिर कुछ भागलपुर डाल दिया, अगर आप चाहते हो कि भागलपुर सेकंड होना चाहिए तो भागलपुर पे टच करके अप कर लेना, या फिर आपको लगता है गया वाला नीचे जाना चाहिए तो गया पे टच करके डाउन बटन पे डन कर रहे हो, तो कोई भी ऊपर नीचे आप कर सकते हो, ठीक है। सेम चीज इसमें भी है, गलती से अगर कोई चूज हो जाता है तो उस पर टच करके अप और डाउन कर सकते हो, उसको आप कर लेना आराम से, ठीक है। तो एग्जाम सिटी चूज कर लोगे तो फिर मेक पेमेंट वाले पे जाओगे, जैसे तो मेक पेमेंट पे जाना, तो सुनो मेक पेमेंट करोगे तो या तो आप उसको पहले ही जो फिलअप किया उसको देख लोगे आप, ड्राफ्ट के तौर पे सारा चीज मिला लेना और देख लेना सब कुछ सही लगे आपको, तो यहाँ पे करना आई हियर बाय डिक्लेयर्ड आई हैव डाउनलोड वगैरह वगैरह, तो अपने को यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है, उतना मैं पढ़ूंगा नहीं बड़ा, यहाँ पे चेक कर लेना और कंटिन्यू टू पेमेंट। अभी डाउनलोड नहीं भी करोगे तो चलेगा, लास्ट में डाउनलोड हो ही जाता है वो, तो यहाँ पे चेक करके कंटिन्यू टू पेमेंट करोगे। आप कंटिन्यू टू पेमेंट करोगे तो दो गेटवे मिलेगा, अगर आप देखो यूपीआई से कर रहे हो ना तो मैं कहूंगा पेमेंट गेटवे नंबर टू यूज कर लेना, ठीक है। पहले वाले से आपको देखो सिर्फ डेबिट कार्ड और मतलब वगैरह से और नेट बैंकिंग से होगा, यूपीआई से पहले वाले से नहीं होगा, तो सेकंड पेमेंट गेटवे चूज करोगे। अगर आप यूपीआई देखो सेकंड वाले से ऑलराउंडर है, सेकंड वाला ही चूज करना और पे पे टच कर लेना, पे पे करोगे तो मैंने चूज कर लिया यूपीआई, ताकि आपको समझाने में आसान हो। तो आपका यूपीआई आईडी क्या है, तो मैंने पेटीएम कर लिया, फोन पे कुछ भी कर सकते हो, आपके पास जो है तेज है, गूगल पे है, भीम यूपीआई है, व्हाट्सएप है, जो भी है, तो यहाँ पे फोन पेटीएम करके ऑटोमेटिक ये पेटीएम आ जाएगा, या फिर आपका कुछ और है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने अपना पेटीएम नंबर डाल दूंगा, मैं आपको मेक पेमेंट डाल दूंगा, ठीक है, 250 रुपये कटेंगे। मेक पेमेंट पे जैसे ही टच करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ना आपके मोबाइल पे, जिस मोबाइल में आपका पेटीएम लॉगिन है उस पे चला जाएगा नोटिफिकेशन और टाइम चालू हो जाएगा, कितने टाइम के अंदर आप पेमेंट कर दो। पेमेंट जैसे ही कंप्लीट कर दोगे यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, मैंने अभी किया नहीं है, मैं कर दूंगा, ठीक है, मेरा बैंक का सर्वर में कुछ इशू आ रहा था। तो यहाँ पे जैसे ही आप पेमेंट कर लोगे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, या फिर आप देखो कभी कभार क्या होता है ना, यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और जब यहाँ पे जाते हो ना तो आपका पेमेंट नहीं लिखता कंप्लीट, तो आपको लॉग आउट करना है, दो बार रिफ्रेश करके फिर लॉग इन करोगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल लिखा हुआ आएगा। उसके बाद प्रीव्यू और मतलब प्रीव्यू करके प्रिंट करके इसको रख लोगे, और इसको प्रिंट करके बढ़िया से रख लेना क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो गाइज यही प्रोसेस था पूरा, फॉलो कर लोगे। और फिर से मैं दो तीन चीजें याद दिला दूं कि आपको फोटो बढ़िया से करनी है जैसे मैंने बताया, और इसका पासवर्ड जो है आपको बढ़िया से सेव करके रखना है, जो मैंने शुरू में बताया था कि आपको रिसेंट पासवर्ड होता है ना, नया पासवर्ड जनरेट करना होता है वो पासवर्ड। और कोस्ट गार्ड के लिए तैयारी कर रहे हो तो जाओ फटाक से इस टेस्ट सीरीज को बाय कर लो, और एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, बहुत जल्द यहाँ पे टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्सेज बहुत कुछ आएंगे एयरफोर्स एक्सेंट वाई ग्रुप के लिए। भी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक चीज़ हाँ, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें।